तो हाय दोस्तों, आज अपने पास चाइना का डिजिटल आया हुआ है जो कल बन की है, जिसमें आप देख सकते हैं पिक्चर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आज हम इसे ही रिपेयर करना सीखेंगे, तो देखते हैं इसे खोल के। तो आप देख सकते हैं मैंने इस टीवी को खोल लिया, पिक्चर भी देख लें बिल्कुल बेकार आ रही है। आइए करते हैं इसी वोल्टेज देखते हैं। तो मैंने मीटर की अर्थिंग बार को ग्राउंड करना था। आइए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो 110 जे वोल्टेज अपने ओके हैं, जे 9 वोल्ट, जे भी अपने एकदम सही आ रहे हैं, जे 5 वोल्ट, जहाँ पे 17 वोल्ट आ रहे हैं ये भी ठीक है। इधर मेमोरी आई सी चेक करते हैं, जहाँ पर भी सही वोल्टेज आ रहा है। अब अपन 180 वोल्ट, जो कि एकदम परफेक्ट है, हीटर के वोल्टेज जिसे आ रहा हूँ क्योंकि पिक्चर आ रही है, इसके वोल्टेज पूरे हो गए हैं। तो बेस पे देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर भी वोल्टेज पूरे सही आ रहे हैं। तो देखते हैं इसे रिपेयर करके इसमें क्या ख़राब होता है, वोल्टेज पूरे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पुराना वाला बेस निकाल के नया बेस इंस्टॉल कर दिया है। इसे कैसे निकालते हैं इसके लिए वीडियो देखने के लिए मैं कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो इसे बदलने के बाद आप पिक्चर देख सकते हैं, क्लियर है। चलो टीवी का अपन एक बार घुमा के देखते हैं। तो इस टीवी को लाइन दे के देखते हैं अब सही हुआ या नहीं। ये लाइन से कनेक्ट कर दिया मैंने, पावर सप्लाई इंडिकेटर आ गया, स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। थैंक्स।